नारी शिक्षा पर अधिक जोर देने की जरूरत है, इसमें प्रगति भी हुई है। मुझे विश्वास है कि थोड़े ही समय में हम पूरे देश को साक्षर बनाने में सफल होंगे। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख लिखा है। वो कहते हैं कि उनकी पहली प्राथमिकता शिक्षा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनकी तीन प्राथमिकताएं हैं, शिक्षा, शिक्षा और शिक्षा। क्या क्या करता है तुम्हारा युवा मंडल? क्या वो भी प्रौढ़ शिक्षा कक्षाएं चलाता है? सर, हमारा मकसद निरक्षर लोगों को सिर्फ साक्षर करना नहीं। माँ कहती है कि हम लोग गरीब जरूर हैं मगर बेवकूफ नहीं। यही कारण है कि निरक्षर होते हुए आज तक ग्रामीण समाज अस्तित्व में है। मैंने तो समझा था कि तुम कम पढ़ी लिखी हो, लेकिन तुम तो नहीं पढ़ अनपढ़ गवार। और फिर हमने कौन सा उससे नौकरी करवानी? प्रधान जी की बेटी विमला स्कूल में बड़े बूढ़ों को पढ़ाती है, वहीं ले जाकर बिठा दूंगी, सीख जाएगी पढ़ना लिखना। माँ, तुम क्या समझती हो? मैं अभी एक छोटा सा बच्चा हूं। नहीं तो मैंने ऐसा कब कहा? मेरी मेरी किस बात से ऐसा लगा तुझे? देखो माँ, मैंने कई बार आपसे पिताजी के बारे में जानना चाहा और आप हमेशा डांट गई। आप मुझे बताती क्यों नहीं है? वो कौन है, कहाँ रहते हैं, कैसे हैं और हमारे साथ क्यों नहीं रहते? मुझे बताओ ना माँ। तू वाकई बहुत बड़ा हो गया है बेटे। तेरी बात को टालना अब मेरे बस की बात नहीं। बस थोड़ा सब्र और कर, मैं तुझे सब कुछ बता दूंगी। मैं बचपन से यही सुनता आ रहा हूँ माँ, पता नहीं सैकड़ों बार हजारों बार मैंने आपके मुंह से सब्र की बात सुनी है, मगर माँ इस सब्र की कोई सीमा भी है ना बेटे? तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बना दूं, बस मेरी परीक्षा खत्म हो जाएगी। परीक्षा? कैसी परीक्षा माँ? और कौन ले रहा है परीक्षा? वक्त ले रहा है बेटे, और इस परीक्षा में मुझे पास होना ही है। मैं अनपढ़ थी, कंवार थी। ये मेरे भाग्य की विडंबना है कि मेरे घर वालों ने कभी भी शिक्षा के महत्व को नहीं समझा। खासकर लड़कियों की शिक्षा का तो उनकी नजरों में कोई भी महत्व नहीं था। लड़की घर के कामकाज में दक्ष हो, यही उसकी सबसे बड़ी शिक्षा थी। इतनी दौलत थी मेरे पिता के पास, उन्हें लगता था उनकी बेटी जिंदगी भर राज करेगी। लेकिन इतनी दौलत होने के बावजूद मैं गरीब बनी रही। अज्ञान ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं निरक्षर जरूर थी बेटे, मगर मूर्ख नहीं थी। अपने भाग्य की विडंबना को समझ सकती थी, समझ भी गई, उसे बदलने की कोशिश भी की। मेरी परीक्षा तुम हो बेटे, और तुम्हारी सफलता मेरा परिणाम है। तुम निश्चिंत रहो मां, तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है। लेकिन मां, मुझे अफसर बनाकर किसे दिखाना चाहती हो? पिताजी को, क्योंकि उन्होंने तुम्हें अनपढ़ समझकर छोड़ दिया था, इसलिए ना? शायद हाँ, पर उन्हें किसी भी तरह नीचा दिखाने का इरादा नहीं है मेरा। मैं
मैं तो बस इतना जताना चाहती हूँ कि जो लोग निरक्षर हैं उन्हें ठोकर मारने के बजाय, उनकी उपेक्षा करने के बजाय अगर अगर उनका हाथ पकड़कर दो अक्षर लिखना सिखा देते तो उनकी शिक्षा भी सार्थक हो जाती। बेटे, ये जो शिक्षा हम लेते हैं ना, ये कर्ज है हम पर समाज का, जिसे हमें लौटाना है उन लोगों को जो इससे वंचित हैं। मैं समझता हूं मां, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम उन साहब को पहले से जानती हो? नहीं तो, लेकिन तू ये पूछ क्यों रहा है? बस यूं ही मां, एक बात बताओ मां, अगर तुम उन साहब को पहले से नहीं जानती तो फिर उनकी तस्वीर हमारे घर में क्यों है? तस्वीर? वो कहां देखी तूने? वही जहां आपने छुपाई थी। मां, क्या यही साहब? दीदी, राहुल भैया, दीदी घर पर हो क्या? कोई पुकार रहा है, मैं देखती हूं। मंगल, क्या बात है? दीदी जल्दी चलिए, प्रीतम के बच्चे की बहुत तबीयत खराब है, शहर के बड़े अस्पताल में ले गए हैं, उधर भौजी ने रो रो कर बुरा हाल बना लिया है। अच्छा रुको, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। राहुल, जरा घर का ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ। चलो। रुक्मणी, रुक्मणी क्या हुआ? राजू की हालत बहुत खराब है दीदी, उसे बड़े अस्पताल लेकर गए, हम खुद भी जाना चाहते थे लेकिन हमारी हालत ऐसी है कि उठा भी नहीं जाता। तो तुम्हारी हालत देखकर ही लग रहा है सूख कर कांटा हो गई हो। खैर, तुम्हारे बारे में बाद में पूछूंगी, राजू को क्या हुआ है? दो दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया, जबरदस्ती कुछ मुंह में डाला तो बाहर निकाल दिया, शाम को तो उसकी हालत खराब हो गई, आंखें उलटने लग गई, हम तो बहुत घबरा गए दीदी। रुक्मणी, अच्छा धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। हर एक बात कहूं रुक्मणी, अपनी इस हालत के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। हमें जिम्मेदार है दीदी, हमें जिम्मेदार है, जो अपने बच्चों को ठीक से खिला पिला भी नहीं सकते, उनकी देखभाल भी नहीं कर सकते, पर मैं क्या करूं दीदी? राजू के बापू जितना कमाते हैं उसे दो वक्त की रोटी मुश्किल से चलती है। लेकिन तुम्हारी इस हालत के लिए तुम्हारी गरीबी से ज्यादा जिम्मेदार है तुम्हारी अज्ञानता। मुझे नहीं लगता कि तुमने अपने बच्चों को बीमारियों से बचने वाले जरूरी टीके लगवाए हैं। ये टीके गांव के स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त लगते हैं। घर में साफ सफाई रखो, अपना ध्यान रखो, अपनी हालत देखो, सूखकर कांटा हो गई हो। ऐसे में तो हो ही जाता है। क्या तुम फिर पेट से हो? जी तीसरा महीना है। रुक्मणी, कैसे पालोगी इतने सारे बच्चों को? तो दुनिया में भेजेगा, वो पालेगा भी। आइए आइए डॉक्टर साहब, आइए 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 बैठिए। डॉक्टर साहब, ये प्रीतम के बेटे को हुआ क्या था? कुछ नहीं, थोड़ा सा कुपोषण और खून की कमी का शिकार हो गया था वो, ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं। पर ठाकुर साहब, गांव के लोगों को स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक कीजिए, क्योंकि इस गांव में महिलाएं और बच्चे मुझे कुपोषण का शिकार नजर आते हैं। तो डॉक्टर साहब आप तो हैं ना, आप उन सब का इलाज कीजिए। बीमारी का इलाज तो मैं कर लूंगा प्रधान जी, लेकिन इस गांव को जिस इलाज की जरूरत है वो तो हम सबको मिलकर ही करना पड़ेगा। आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर साहब? मैं कहना ये चाहता हूं ठाकुर साहब कि इस गांव में महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य की दशा ठीक नहीं है, और दुख इस बात का है कि वो इसके प्रति जागरूक भी नहीं है, और इसीलिए बहुत से बच्चे समय से पहले मर जाते हैं। हाँ सो तो है, लेकिन अब
किया क्या जाए? इसके लिए गांव के लोगों को सबसे पहले जागरूक करना पड़ेगा। बच्चे के पैदा होने से बड़े होने तक समय समय पर जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं उनकी जानकारी और उनके महत्व को समझाया जाएगा, तभी ये कार्य संभव हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ जो स्वास्थ्यवर्धक खाना है वो भी बच्चों को नहीं मिलता। पोषक आहार की बहुत जरूरत है बच्चों को। लेकिन डॉक्टर साहब, ये सब होगा कैसे? इसके लिए गांव की महिलाओं को जागरूक करना पड़ेगा। और महिलाओं को जागरूक करने का सबसे सरल तरीका है उन्हें शिक्षित करना, उन्हें साक्षर बनाना। क्योंकि घर की महिला जितनी भी साक्षर और शिक्षित होगी वो अपने घर की जिम्मेदारियों को उतने ही बेहतर तरीके से निभा सकती है। ये तो हम सब जानते हैं। जी ये तो है, लेकिन डॉक्टर साहब हमारे यहाँ तो प्रौढ़ शिक्षा की कक्षाएं चलती हैं और उसमें काफी महिलाएं आती भी हैं। हाँ आती तो हैं, मैंने देखा है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, और आना चाहिए। इसका मतलब पूरे गांव को शिक्षित किया जाए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए और स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति उनको जागरूक किया जाए, तभी ये उत्तम स्थिति होगी। जी लेकिन प्रधान जी, हम लोग कोशिश कर तो रहे हैं। कोशिश तो कर रहे हैं और कोशिश के अच्छे नतीजे भी निकल रहे हैं। रुक्मणी। अरे दीदी आप आओ ना। क्या हुआ? कुछ नहीं। कैसा है अबराजू? अब तो भगवान की दया से ठीक है। इसके बापू कह रहे थे बड़े अस्पताल में पूरी दो बोतल क्या कहते हैं वो हाँ वही हाथ में सुई देकर चढ़ाया था, तब जाकर इसने आंखें खोली है। देखो रुक्मणी, मैं परसों भी तुम्हारे पास आई थी यही बात करने, लेकिन तब तुम राजू की चिंता में बहुत परेशान थी इसलिए बात नहीं कर पाई। क्या बात है दीदी, कहो ना। तुम्हारे बच्चों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तुम खुद इतने कमजोर हो, ऐसे में एक और बच्चा। अब दीदी हो गया तो क्या करूं? रुक्मणी इस बच्चे को जन्म देने से पहले सोचो कि तुम अपने साथ, अपने बच्चों के साथ और इस आने वाले बच्चे के साथ अन्याय नहीं कर रही हो। मान लो ये बच्चा इस दुनिया में आ भी जाता है तो तुम उसे क्या दे पाओगी? और ये सिलसिला यहाँ तो रुकेगा नहीं, चलता रहेगा ना। तो अब दीदी हम क्या करें? अपना ख्याल रखो, अपना ध्यान रखो। तुम खुद ठीक रहोगी तो अपने बच्चों को ठीक से पाल पाओगी। जो परिवार है उसे ठीक से पालो और बच्चों की लालसा छोड़ दो। और दीदी ये जो अब हो गया है इसका इसका क्या करूं? इस बच्चे को गिरा दो रुक्मणी, इसमें कोई बुराई नहीं है। तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भलाई इसी में है। जो परिवार है उसे पालो, उसे शिक्षित करो, अपना ध्यान रखो, अपने पति का ध्यान रखो। पर दीदी तुम्हें संकोच होता है ना, तो तुम मेरे साथ स्वास्थ्य केंद्र चलना, मैं तुम्हारी सफाई भी करा दूंगी और ऑपरेशन भी। ऑपरेशन? इससे तुम्हें बार बार गर्भ धारण करने से मुक्ति मिल जाएगी। पर दीदी राजू के बापू नहीं मानेंगे। तुम समझाओगी तो कैसे नहीं मानेंगे? रुक्मणी दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो अपने परिवार को सुखी ना देखना चाहता। और हाँ, कमला बता रही थी कि तुमने अपने बच्चों को पोलियो की दवा देने से मना कर दिया। दीदी हम समझे जाने कौन लोग हैं, जाने क्या बच्चों को उल्टा सीधा पिला दें? ये सब अज्ञान के कारण हुआ है। पोलियो जानती हो क्या है? इस बीमारी से बच्चों के हाथ पांव टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और इससे बचने के लिए सरकार बच्चों को ये दवा मुफ्त पिलाती है। हाँ वो कमला बता रही थी तब हम जान गए थे, बच्चों को हमने खुराक भी पिला दी थी फिर। और अगर कमला नहीं मिलती तो? तुमने तो उन्हें भगा ही दिया था ना। अब क्या करें दीदी, हम अनपढ़ गवार आदमी अब इतनी बात कहाँ समझते हैं। देखो रुक्मणी, तुम्हारे हालात, सामाजिक स्थिति, गरीबी, इन सब की वजह से तुम अनपढ़ रह गई, इस पर तुम्हारा कोई जोर नहीं था। पर अब तुम चाहो तो स्थिति बदल सकती है, तुम अपनी स्थिति सुधार सकती हो। वो कैसे दीदी? खुद शिक्षित हो, अपने बच्चों को शिक्षित करो और हाँ प्रीतम से कहो कि प्रौढ़ शिक्षा की कक्षाओं में जाया करें। अब पढ़ेंगे हम दीदी? आप भी ना मजाक करती हैं, भला अब पढ़कर क्या करेंगे? वही जो पुष्पा, कमला, भागवंती और गांव की दूसरी औरतें कर रही हैं। तुमने देखा है उन्होंने अपनी स्थिति कैसे सुधार ली? पर दीदी उनमें और मुझ में फर्क है। कोई फर्क नहीं है रुक्मणी,
उनके भी दो हाथ हैं, दो पांव हैं, एक सिर है। तुम ऐसा करो, एक बार महिला मंडल की कक्षा में आ जाओ, फिर देखना तुम्हारे हालात भी कैसे सुधर जाएंगे। आप इतना जोर दे रही हैं, तो आना ही पड़ेगा। लेकिन दीदी, बूढ़ा तोता कभी राम राम नहीं रटता। तुम एक बार आओ तो सही, फिर देखना ये बूढ़ा तोता राम राम भी रटेगा और सीताराम भी कहेगा। अब आप इतना जोर दे रही हैं, तो आना ही पड़ेगा। शाबाश। जंजीर की अगर एक भी कड़ी टूट जाए तो पूरी जंजीर बेकार हो जाती है। हम में से अगर एक भी नारी निरक्षर रह जाएगी तो हमारी ये सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी। अगर हम आंखें खोलेंगे नहीं तो हम दुनिया को देखेंगे कैसे? और हमारी आंखें कैसे खुलेंगी? ज्ञान के प्रकाश से। तो अब आप लोग मुझे बताइए, आप में से कितने लोग हैं जिनको ज्ञान से फायदा हुआ है? फायदा तो हुआ जी, अपने बच्चे का दाखिला खुद अपने आप ही जाके करवाया, क्या पहले भी हो सकता था? मैंने तो जी जब रामायण की चौपाइयों को जोर जोड़ के अपने सास को सुनाई तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ, फिर तो जी वो निहाल हो गई। अब तो मेरे हर एक काम में हाथ बटाने को कहती है, राय ले ले बीबी की, सही राय देगी। तो क्या आप मानती हैं कि शिक्षा ने आपके जीवन को नया रंग दिया है? जी। तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि ज्ञान ने आपको जो उजाला दिया है वो दूसरों तक पहुंचे? और जो लोग ज्ञान के इस महत्व को नहीं समझ रहे हैं, आपकी उपलब्धि से वो सबक ले सके? वो तो है जी, मगर हम कर क्या सकते हैं? आप चाहे तो बहुत कुछ कर सकती हैं। अगर आप अपने पड़ोस के किसी एक व्यक्ति को भी पढ़ाती हैं तो आपकी शिक्षा सार्थक है। अज्ञान ने हमारा बहुत नुकसान किया है, प्रगति की दौड़ में हमें बहुत पीछे धकेल दिया है। इसके खिलाफ हमने जो जंग जो जारी की है, इसको हमें जीतना है। वो तो है जी, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ेगा वैसे ही वैसे हम उन्नति करेंगे, खुशहाली के नए रास्ते हमारे लिए खुलेंगे। तो आइए आज हम यहाँ प्रण करें कि उन सब लोगों को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करेंगे जो इससे वंचित हैं। कहिए, आप हमारे साथ हैं? हाँ, 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 हाँ। अरे इतना अंधेरा हो गया और राहुल ने अभी तक बत्ती नहीं जलाई। राहुल जरूर अपनी किताबों में डूबा हुआ होगा। राहुल, ये कोई बात नहीं राहुल, तुम्हारी जिज्ञासा स्वाभाविक है। तो क्या यही माँ? हाँ राहुल, यही तुम्हारे पिताजी। ओ माँ, इसका मतलब मेरा शक ठीक था। माँ, माँ पिताजी यहाँ आए, इस घर में हम सबके पास, और आपने उन्हें रोका भी नहीं, क्यों माँ? राहुल, अगर वो मेरे रोकने से रुक जाते तो इतने साल तुम्हें बिना बाप के साए के नहीं गुजारने पड़ते। माँ, तुम्हें पिताजी ने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम अनपढ़ थी। मेरी जिंदगी के कई अभिशाप लगातार मेरा पीछा करते रहे, निरक्षर होना उनमें से एक था। अगर ये वजह नहीं है माँ तो फिर और क्या वजह थी? जब हमारी शादी हुई थी उस वक्त मैं शादी का मतलब भी नहीं जानती थी। मेरी उम्र तो मुश्किल 8 साल रही होगी और तुम्हारे पिताजी की 10 या 11 बरस। क्या मतलब? मतलब तुम्हारा बाल विवाह हुआ था माँ?
मुझे अभी भी हल्का हल्का याद है, नए कपड़े और गहने मिलने की खुशी में मैं फूल ही नहीं समा रही थी। कि माँ अंदर आई और मुझे गोद में उठाकर बाहर ले आई। बाहर पिताजी खड़े थे। माँ ने मुझे पिताजी की गोद में दे दिया और पिताजी ने अपने पिता की गोद में सवार तुम्हारे बाबा के गले में मुझसे हार डलवा दिया। पंडित ने दोनों का गठजोड़ बांधा और हमारी शादी हो गई। फिर क्या हुआ माँ? शादी के बाद वो अपने घर लौट गए और मैं इस सारे वाक्य को भूलकर माँ बाप के लाड़ में हंसी खुशी दिन बिताने लगी। मैं सारा दिन सहेलियों के साथ खेलती खाती और बस कुछ और कोई काम नहीं। फिर एक दिन सुना है गायत्री, तुम्हारे ससुराल से नहीं आया था आज? अच्छा तो जरूर कई संदेश लाया होगा दूल्हे राजा का। सुना है तुम्हारे पति बहुत बड़े अफसर बन गए हैं शहर में। अरे हमारी छोटी गुड़िया है, दूल्हे वाला देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। छोड़ेगा ना, मैं चली आऊंगी यहाँ से। अभी जाना क्या तुम्हें? तो आज नहीं कल ससुराल जाना ही है। अरे चुप। मैं कहती हूँ जी, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। डर? डर किस बात का? सुना है जवाई बाबू बहुत पढ़ लिख गए हैं, बहुत बड़ा इम्तहान पास किया है उन्होंने। हाँ नाई बता तो रहा था, पर ये तो बड़ी खुशी की बात है, भला इसमें क्या डरना? पर जी हमारी बेटी तो बिल्कुल अंगूठा छाप है। अरे तो इससे क्या होता है, है तो देवेंद्र की पत्नी ना, और अगर पढ़ लिख भी लेती तो उसने कौन सा दफ्तर चलाना था? अरे संभालनी तो गृहस्थी है ना, और उसमें हमारी बेटी बड़ी कुशल है। अरे देखना गायत्री की माँ, हमारी गायत्री राज करेगी राज। मैं धड़कते दिल से ससुराल आ गई। इतनी अच्छी सास और पति को पाकर मैं मन ही मन खुश हो रही थी, मगर एक अनजान सा डर लगातार मेरे दिल में बना हुआ था। वो रात मैंने कैसे गुजारी मेरा दिल जानता है। मैंने अपने होठ से लिए सिर्फ हाँ हूँ जी ना के अलावा और कोई आवाज नहीं निकाली, पर मेरा राज ज्यादा दिनों तक राज नहीं रह सका। वो
वो जान गए कि मैं अनपढ़ हूं और मां के लाख समझाने के बावजूद हमें छोड़कर चले गए। और इसके बाद पिताजी कभी लौट कर नहीं आए, है ना मां? मां, आपने उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की? ढूंढा उसे जाता है राहुल, जो कहीं खो गया। तुम्हारे पिताजी तो हमें छोड़कर गए थे। खैर, तुम्हें जो जानना था तुमने जान लिया। चलो अब खाना खा ले, मुझे बहुत भूख लगी। अभी सब कुछ कहां जाना है मां? अभी तो बहुत कुछ जानना बाकी है।